दुकान बंद करने का वक्त हो गया है पर मोहन अभी भी बही खातों में सर खपा रहा है और रोहन अपनी बीवी के हाथ की गरम खीर खा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। अब बात करेंगे जेएनयू में हिंसा के बाद के घटनाक्रम की। जिस वक्त हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जेएनयू में हुई हिंसा से जुड़ी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। छात्र, टीचर्स और गार्ड समेत 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। तमाम वीडियोस आए, वीडियोस जो दिखा रहे हैं कि लेफ्ट के स्टूडेंट्स पर या प्रोफेसर्स पे हमला हुआ, या फिर वीडियो जो दिखा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काडर पर हमला हुआ। दोनों तरफ से वीडियो रिलीज हो रहे हैं, कोई किसी एंगल से लिया गया है, कोई किसी एंगल से लिया गया है, लेकिन हायरी मासूम दिल्ली पुलिस, इसे एक भी आरोपी नहीं मिला। पर दिल्ली पुलिस का क्या करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के तो जब सामने से भी आरोपी गुजर जाते हैं तब भी वो गांधी जी के बंदर की तरह, उसकी गलत व्याख्या की तरह आंखें मूंदे रहती है। वरना तो दिल्ली पुलिस जो कह रही थी कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से हमें इजाजत नहीं मिली इसलिए भीतर नहीं गए, दरवाजे पर रुके हैं, वो दरवाजे के बाहर जो भड़काऊ नारे लगाकर गोली मार, क्योंकि नारे जो पत्रकारों के साथ, जो वहाँ पर पहुँचे जेएनयू के पूर्व छात्रों के साथ मारपीट कर रहे थे लोग, उन्हें रोक सकती थी। दिल्ली पुलिस को वो भी नहीं मिले, दिल्ली पुलिस को वो लोग भी नहीं मिले जो डंडे लेकर और चेहरे पर नकाब लगाकर उनके सामने से जा रहे थे। दिल्ली पुलिस को वो लोग भी नहीं मिले जिनकी तरफ योगेंद्र यादव इशारा कर रहे थे और कह रहे थे इन्हीं लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, इनको पकड़िए, इनको रोकिए। दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से तय करती है कब कहाँ घुसना है, कब किसके जबड़े तोड़ने हैं और कब किसके जबड़े से निकले शब्दों के चलते चुप्पी साध लेनी है। बाकी क्राइम ब्रांच है, जांच है, सबूत जुटाए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दो एफआईआर्स की बड़ी बातें हो रही हैं जो जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट आयशी घोष के खिलाफ दर्ज हुई। जेएनयू प्रशासन ने 3 जनवरी और 4 जनवरी को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन को 2 शिकायतें दी थी जिन पर बीती शाम 5 मिनट के अंदर 2 एफआईआर दर्ज हुई। इस टाइमिंग के चलते भी दिल्ली पुलिस के काम करने के ढंग पर सवाल उठे हैं। बाकी ये बात पर तो सवाल उठ ही रहे हैं कि ये कौन से वामपंथी संगठन हैं जो सर्वर रूम में घुसकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि सवाल किसी पक्ष को देखकर नहीं पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा सवाल उठेंगे जेएनयू के वाइस चांसलर के खिलाफ, सबसे ज़्यादा सवाल उठेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, दिल्ली पुलिस जिनके लिए काम करती है। पर जेएनयू से और भी आवाजें सामने आ रही हैं, मसलन वाइस चांसलर के पीआरओ चिंतामणि महापात्रा का बयान, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस हमले को सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बताया, बाद में अपनी चिंताएं गिनाई, कहा डर तो हमें भी लग रहा था। उनकी बातों से जो सार निकल कर आया वो ये था कि हमला करने वाले सभी नकाबपोश लोग बाहर से आए थे। उनकी बातों पर जब तक ध्यान दिया जाता तब तक चौंकाने के लिए खुद वाइस चांसलर जगदीश कुमार आ गए। जेएनयू वीसी जगदीश कुमार ने आते ही बड़ी अजीब सी, कतई साइंटिफिक, क्योंकि वो साइंस से आए हैं, मांग रख दी। कहा गया कि इसको लाइव ना दिखाइए। उसके बाद वो क्या बोले कि स्थिति को वापस सामान्य बनाने की कोशिश करेंगे, जो हुआ बुरा हुआ, हम छात्रों को गुटों में नहीं देखते। एक नई चीज़ जो निकल कर सामने आई वो ये कि प्रशासन नए सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रखेगा, इसका मतलब गतिरोध जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई होनी चाहिए और जो छात्र आंदोलनरत हैं उनसे बातचीत की जानी चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जो जायज़ मांगे हैं वो मांगनी चाहिए, जो जायज़ मांगे नहीं है उस पर आप भले ही सख्ती से मना कर दो, लेकिन इन सब के क्रम में अंततः यूनिवर्सिटी का नाम खराब ना हो, उसकी छवि खराब ना हो। बाकी तो नेतागिरी है, सबकी चलती रहेगी। जेएनयू में जो हुआ सो हुआ, दिल्ली के बाहर भी इससे जुड़े अपडेट्स आए हैं। अहमदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई पर हिंसा के आरोप लगे, दोनों गुट आपस में टकरा गए। एनएसयूआई गुजरात के जनरल सेक्रेटरी निखिल सवानी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर मुंबई में एक लड़की ने फ्री कश्मीर का प्लेकार्ड लहरा दिया, उस पर राजनीति शुरू हो गई। एक धड़े ने कहा कि ये आज़ादी मांग रहे हैं, कोलाबा थाने में केस लिखा दिया गया। लड़की की तरफ से कहा गया जी आज़ादी मांग रहे हैं, कश्मीर में जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनसे आज़ादी। एक और विचित्र महाशय नजर आए, न्यूज एजेंसीज के कैमरों पर खुल्लम खुल्ला दावा करने लगे कि जेएनयू में हिंसा उन्होंने कराई। नाम बताया पिंकी चौधरी और पिंकी भैया, खुद को एचआरडी, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है, हिंदू रक्षा दल, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। पिंकी भैया की बातों को वैसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए। सामने वाला इतनी उछल उछल कर दावे कर रहा है, जांच होनी चाहिए।
क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी पर स्याही फेंकी, किसी ने किसी के साथ कथित रूप से मारपीट की, दावे किए और बाद में नेताजी बन गए। अब बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इस खबर में बात करेंगे आंखों देखी मक्खी निगलने की। आप कहेंगे ये तो असंभव है, हम कहेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रयास हुए हैं बीजेपी की तरफ से। वजह यह है कि बीजेपी ने पैसे लगाकर झूठ फैलाने का काम किया। इन सब के बीच एक नाम आएगा ईशा फाउंडेशन के मुखिया सदगुरु जग्गी वासुदेव का। ये नाम लेते ही शायद आपको बैक स्टोरी याद आ जाए, वो डिलीट हुआ पोल भी याद आ जाए। हुआ ये था कि 29 दिसंबर को जग्गी वासुदेव ने एक वीडियो ट्वीट किया, एनआरसी और सीए पर वो बोले, बोलते बोलते इधर उधर चले गए, कुल जमा तीन गलत बातें बोल गए। पहली ये कि हिंदू रिवाज से हुई शादी पाकिस्तान में कानूनी तौर पर वैध नहीं है, जबकि 2017 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हिंदू मैरिज बिल पास किया था जिसमें हिंदू रिवाज से हुई शादी को कानूनी रूप से रजिस्टर करने का नियम था। दूसरी बात उन्होंने कही कि सीएए उन शरणार्थियों के लिए है जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि इस एक्ट के पूरे गजट नोटिफिकेशन में कहीं भी शरणार्थी या धार्मिक प्रताड़ना शब्द है ही नहीं। तीसरी गलत बात यह थी कि उन्होंने कहा कि एनआरसी के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड का इस्तेमाल बतौर दस्तावेज हो सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि एनआरसी पर अभी तक किसी भी किस्म की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह कहा है, जो हमने भी आपको बताया था जब उन्होंने FAQ जारी करके भ्रम दूर करने की कोशिश की थी, लाइकली टू बी इंक्लूडेड की मतलब संभावना है कि इन दस्तावेजों से काम चल सकता है, लेकिन काम चल सकता है और काम चलेगा इन वाक्यों में फर्क है। गृह मंत्री खुद भी कह चुके हैं कि आधार वैध दस्तावेज नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद एनआरसी का जिक्र न होने की बात कही थी। इन सब के बावजूद यही वीडियो उठाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 30 दिसंबर को अपने ट्विटर पर डाला। ऐसे ही ट्वीट देख हमें समझ आता है कि सीएए और एनआरसी पर कंफ्यूजन खत्म क्यों नहीं होता। आप कहेंगे ये सब तो हमें पता है, अब बीजेपी ने क्या कर दिया। गलत बातें होने पर भी बीजेपी के ऑफिशियल पेज ने इस वीडियो को शेयर किया, एक बार हिंदी और एक बार अंग्रेजी कैप्शन के साथ। यहाँ तक भी ठीक है, जब प्रधानमंत्री ने किया तो हमने भी कर दिया, राजनीति सद रही है। फिर इस पोस्ट को पैसे देकर स्पॉन्सर भी किया, विज्ञापन की तरह चलाया। इंग्लिश वाले वीडियो के लिए बीजेपी अब तक 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुकी है और हिंदी वाले पर 1 से 1.25 लाख रुपए। पर वैसे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश का सबसे ज़्यादा चंदा भी इस पार्टी को मिलता है, तो ये रकम ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी चिंता रकम नहीं है, हमारी चिंता तथ्य और सत्य है। फेसबुक एड लाइब्रेरी से हमें यह डेटा मिला कि बीजेपी ने 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक 4 बार इस पोस्ट को प्रमोट किया। 4 जनवरी तक बीजेपी ने वीडियोस पर 2,50,822 रुपए खर्च किए। 29 दिसंबर से 4 जनवरी के हफ्ते का रिकॉर्ड उठाइए, भारत के किसी भी फेसबुक पेज के ऐड पर किया गया ये सबसे ज्यादा खर्च है। आप कहेंगे उनका समर्थन, उनका पैसा, हमारा पेट काहे दुख रहा है, क्योंकि ये झूठ है। फैक्ट चेक होने के बावजूद, सदगुरु जग्गी वासुदेव के कई दावे दुरुस्त ना होने के बावजूद, मीडिया के कई सेक्शंस में ये खबर आने के बावजूद, ऐड चलाकर लाखों रुपए लगाकर आपसे झूठी जानकारी शेयर की जा रही है। सबकी जवाबदेही होती है, संसद में बोलने वाले नेताओं की, आपके सामने न्यूज़ बताने वाले पत्रकारों की, तो फिर हमारे प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले इन दलों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सरकारें गलत जवाब देती हैं, हम गलत जवाब देते हैं, तो हमें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। बीजेपी सीएए पर जन जागरण कर रही है, गृहमंत्री चाह रहे हैं कि पार्टी 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हजारों रैलियां करे, करिए, लेकिन तथ्य बताइए, झूठ मत बताइए। आप कह रहे हैं कि विपक्षी झूठ फैला रहे हैं और आप उस झूठ के काउंटर के लिए आपकी नज़र में खुद झूठ बोल रहे हैं या जिन्होंने गलत बोला, झूठ बोला, उनका हवाला दे रहे हैं, ये तो सही नहीं है। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना, अपनों का, अपने विश्वविद्यालय का, अपने विचारों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।